यहाँ पे चौकी वगैरह यहाँ पे पानी में ही यहाँ पे रखा हुआ है जैसा कि, और नीचे दिखाए तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा आप लोग को हम दिखाएं तो देखिए ये आदमी नहा रहे हैं। देखिए वहीं पे कितना ज़्यादा पानी है, चारों तरफ अभी यहाँ पे पानी पानी हो चुका है, जो कि यहाँ पे रोड है। नीचे अगर आप लोग को बात करें तो यहाँ पे रोड बना हुआ है, आगे यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए जाएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे ही होंगे। तो अभी हम आए हुए हैं सुल्तानगंज का जो पुराना घाट है, जहाज घाट आप लोग बोल सकते हैं, यहीं पे अभी हम आए हुए हैं। और यहाँ पे अभी आप लोग को हम दिखाएंगे कमरिया का, यहाँ पे अभी कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कमरिया अभी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कमरिया अभी गंगा स्नान करके आ भी गए हैं। तो चलिए आप लोग को बैक कैमरा करके सारा कुछ दिखाते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। तो चलिए चलते हैं अभी हम आगे, और आप लोग को आगे जाके दिखाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा, उसे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे बोलबम करते हुए सारे कमरिया अभी बाबा धाम जा रहे हैं। तो चलिए बैक कैमरा करके आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कमरिया का, यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। सारे कमरिया अभी जा रहे हैं बाबा धाम, यहाँ से गंगा स्नान कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे पानी आ चुका है, पूरा यहाँ पे पानी भर चुका है। वहाँ आप लोग को नया घाट का भी वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं, नया घाट में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। देखिए यहाँ पे मतलब यहीं पे लोग यहीं पे स्नान कर रहे हैं, आगे जाके आगे ना ही जाए तो अच्छा है, यहीं पे आगे थोड़ा दूर जाके स्नान कर ले, क्योंकि यहीं पे देख पा रहे होंगे गंगा माँ आप लोग के मतलब बढ़ते जा रही है, जल स्तर गंगा माँ का बढ़ते जा रहा है। और चौकी वगैरह जो लगाया हुआ था पानी में वो डूब चुका है, देख पा रहे होंगे जो सारा चौकी मतलब साइड कर लिया गया है, और जो चौकी को साइड नहीं किया गया था वो चौकी को साइड कर लिया गया है। जैसा कि देख पा रहे होंगे सारे कमरिया थोड़ा दूर ही जाके यहीं पे नहा के आ जाते हैं, तो आप लोग भी अगर आते हैं तो थोड़ा दूर ही आगे जाके यहाँ पे नहा लें, क्योंकि गंगा घाट में पानी कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस साइड अभी सारा यहाँ पे चौकी वगैरह इस साइड लगाया गया है, और यहाँ पे देखिए पानी देखिए पानी में मतलब बूल के जाना पड़ रहा है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पानी में बूल के अभी जाना पड़ रहा है। तो आप लोग को हम यहीं से दिखाना चाहते हैं, यहाँ से देखिए आप लोग कमरिया का यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है सुल्तानगंज में, जो कि पानी रोड पे भी आ गया है। देखिए साइड जो रोड बना हुआ था उस पे भी पानी आ गया है। तो इधर का घाट यहाँ पे अगर आप बोले तो यहाँ से कुछ दूर तक अच्छा है, उसके बाद तो पूरा ही ख़राब है घाट। तो यहाँ से अगर आप लोग आते हैं तो कुछ दूर ही आगे जाके नहाएं। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब पानी रोड पे आ गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे गंगा का जलस्तर यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, सारे कमरिया अभी रोड पे चल रही है, रोड है, और रोड पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को गंगा का जलस्तर यहाँ पे बढ़ के रोड पे आ चुका है पानी, जैसा कि अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और गंगा घाट अगर आप लोग को हम बताएं तो गंगा घाट उधर ही है जहाँ पे आप लोग को बांस वगैरह वहाँ पे गाड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस साइड गंगा घाट है। उस पर जाने के लिए नहाने के लिए जगह नहीं दिया गया था, इन थोड़ा सा इस साइड था, तो आगे बहुत ज़्यादा काफ़ी गड्ढा है। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा दूरी जाके नहाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे जाके खतरा हो सकता है। चलिए आप लोग को हम उस साइड जाके दिखाते हैं, उस साइड किस तरह से अभी कमरिया गंगा स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना ज़्यादा कमरिया का भीड़ है ये भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को पानी नीचे में है, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, जैसा कि आप लोग को नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे पानी ही है, और पानी में ही अभी हम भी भूल के आगे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को दिखाना है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को यहाँ पे चौकी वगैरह यहाँ पे पानी में ही यहाँ पे रखा हुआ है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा चौकी को यहाँ पे धो रहे हैं बाबा। और इधर दिखाएं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से गंगा स्नान कर रहे हैं, और इधर भी दिखाएं तो इधर भी देख पा रहे होंगे आप लोग, इधर भी पानी हो गया है। और नीचे दिखाएं तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा भी नीचे मतलब पूरा यहाँ तक पानी आ चुका है। तो चलिए धीरे धीरे अभी आगे चलेंगे, कुछ दूर तक ही दिखाएंगे, क्योंकि नीचे हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जाएंगे और तो भींज जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, कहाँ गड्ढा है कहाँ रोड है ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा संभल के ही आप लोग भी आएँ यहाँ पे, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा ये रोड बना हुआ है यहाँ पे, और जहाँ पे रोड बना हुआ है यहाँ पे देखिए जलकुंभी वगैरह, यहाँ गंगा माँ का पानी आ चुका है, और दुकान वगैरह में भी गंगा माँ का यहाँ पे पानी घुस चुका है, जैसा कि फ्रेंड आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किस तरह से यहाँ पे अभी भीड़ है यहाँ पे कमरिया का गंगा माँ में नहाने के लिए गंगा घाट में।
जहाज घाट में, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है कमरिया का। देखिए अब दे दिया है गया है कि इसके पार आप लोग नहाने के लिए नहीं जाएं। और जब बाढ़ नहीं आया था, पानी नहीं था, गंगा माँ का जलस्तर नहीं बढ़ा था, तो उसके जो आप लोग को सबसे लास्ट वाला छोर दिखाई दे रहा है उसके आगे आप लोग को नहाने के लिए नहीं दिया गया था। और यहाँ देखिए, अगर आप लोग को हम दिखाएं तो देखिए ये आदमी नहा रहे हैं, देखिए वहीं पे कितना ज़्यादा पानी है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा, यहाँ पे मतलब बाढ़ आ चुका है, यहाँ पे पानी बढ़ चुका है। तो चलिए धीरे धीरे अभी हम आगे चलेंगे और आप लोग को आगे भी जाके दिखाएंगे आगे का क्या सीन है और कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कमरिया का। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है कमरिया का। चारों तरफ यहाँ पे दुकान वगैरह में भी यहाँ पे पानी घुस चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी आ चुका है। तो अभी हम यहीं तक रहेंगे, आप लोग को यहीं से हम आगे तक दिखाना चाहते हैं कि आगे तक आप लोग दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ अभी यहाँ पे पानी पानी हो चुका है, जो कि यहाँ पे रोड है। नीचे अगर आप लोग को बात करें तो यहाँ पे रोड बना हुआ है, आगे यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए जगह था। गंगा माँ का यहाँ पे जलस्तर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। और दिखाएं इस साइड, तो इस साइड भी आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा कमरिया, अभी यहाँ पे दुकान वगैरह में भी यहाँ पे पानी घुस चुका है अभी। यहाँ पे आप लोग चारों तरफ का यहाँ पे आप लोग सीन देख लीजिए कैसा है। आगे हम आप लोग को जूम करके दिखाना चाहते हैं। और दिखाएं तो देख पा रहे होंगे आप लोग को वहाँ पे पानी में बोट चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जो भी गंगा स्नान करते हैं उसके लिए, जो बांस के इस पार से उस पार ना जाएं इसी के लिए यहाँ पे ये बोट चलता है। और वो बांस के इस पार से उस पार जाने आने के लिए नहीं देते हैं कमरिया को, और ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। आप लोग को पता नहीं है कहाँ पे कितना ज़्यादा गड्ढा है, जो कि आप लोग बाहर से आते हैं और हमें भी नहीं पता है कि कहाँ कितना गड्ढा है, तो इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसे रोड बना हुआ है आगे तक, लेकिन कहाँ रोड बना हुआ है, कहाँ टूटा हुआ है, ये हमें नहीं पता है। तो फ्रेंड जैसा कि अभी आप लोग को हम दिखाएं यहाँ पे गंगा माँ का यहाँ पे जलस्तर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। दुकान वगैरह जो यहाँ पे लगाया हुआ था, और इस साइड भी दुकान वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, सारा यहाँ पे इस साइड का दुकान हट चुका है। और इधर बताएं तो इधर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकान लगा हुआ है, लेकिन दुकान में नीचे यहाँ पे पानी घुस चुका है, चौकी वगैरह के नीचे यहाँ पे दुकान में पानी घुसा हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे जलस्तर यहाँ पे गंगा माँ का बढ़ चुका है। तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे चौकी लगा हुआ था। अगर आप लोग आए होंगे तो आप लोग को ज़रूर याद होगा, अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरा देख लीजिएगा। यहाँ पे चौकी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, यहाँ से भी सारा चौकी यहाँ पे हटा दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा चौकी तो है भी, जो कि थोड़ा थोड़ा मतलब ऊँचा ऊँचा पे लगाया गया है ईंटा दे दे के। तो यहाँ पे दुकान वगैरह में भी पानी घुस चुका है। तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बोल बम लिख लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।